एब्रा का डूडल। ये कहानी ओलिविया नाम की एक लड़की की है जो अपनी मासी के साथ एक गांव में बर्फीले पहाड़ों के बीच रहती थी। ओलिविया, गायों की सफाई जल्दी खत्म करो, दिन भर से उसी में लगी हो। हो गया बेकी मासी। दिन भर से उसी में लगी हो। स्पार्कल, ये रहा आपका नाश्ता और मैंने घर की सफाई भी कर ली है। बाय। ओलिविया, तुम तो कुछ खा लो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। और मेरे नाश्ते का क्या होगा? तुम जंगल से कुछ खा लो। ये थी ओलिविया की जिंदगी, पेंटिंग करना। कैनवस पर रंग उड़ाकर वो दुनिया में खुशियां फैलाना चाहती थी। ये बहुत सुंदर है। तुम हमेशा यही कहती हो। इन पेड़, पहाड़ों और नदियों को तुम इतना सुंदर कैसे बना लेती हो? स्पार्कल, इस जंगल की ताजी हवा, जोश और खुलेपन को बस महसूस करो। कुदरत कमाल की चीज है और जितना ज्यादा मैं इसके साथ होती हूँ, ये मुझ में खुशियाँ भरती है और यही खुशी मेरे कैनवस पर झलकती है। कला आपके दिल का आईना होता है। अपनी पेंटिंग्स बेचो, तुम्हें उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या? चलो घर चलते हैं। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। आ गई महारानी। आज फिर पूरे दिन से तुम उसी बकवास काम में लगी थी ना? ये बकवास काम नहीं है। ओलिविया की पेंटिंग सच में बहुत सुंदर है। मैं खाना तैयार करती हूँ। एक दिन जब ओलिविया जंगल की पेंटिंग कर रही थी, ओलिविया, ओलिविया, रुको, हम जंगल में ज्यादा अंदर जा रहे हैं, वो गुफा खतरनाक हो सकती है। वाओ, यहाँ तो अंधेरा है। चलो चल। यहाँ, जल्दी। हाँ, कौन है वहाँ? मैडम, मेरे महाराज, मेरा मतलब रानी साहिबा, जादुई राजकुमारी। वाह, जादुई राजकुमारी, मुझे नाम अच्छा लगा। मैं ये एक बेचारी दुखियारी लड़की है जो बदकिस्मती से एक राक्षस मासी के रहमो करम पर जी रही है। स्पार्कल, मुझे माफ करना जादुई राजकुमारी, मैं यहाँ पेंटिंग करने आती हूँ। मैंने यहाँ तितली को देखा और हम यहाँ आ गए हैं, तो क्या आप हमें 3 वरदान दे सकती हो? चुप रहो। ओलिविया, तुम्हारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जैसे कैनवस पर खुशियाँ बिखरी हुई हों, और ये खुशी दुनिया भर में फैलनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगी। बहुत जल्द तुम्हारी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी, और मैं तुम्हें ये हुनर देती हूँ कि जिस किसी पेंटिंग को तुम सच करना चाहती हो वो सच हो जाएगी, और उसके लिए तुम्हें कहना होगा एब्राकाडूडल। वाह, शुक्रिया। पर याद रखना ओलिविया, नाम और शोहरत से तुम्हारे कैनवस की खुशी कम ना हो जाए। ये कौन है? ये है मेरी भतीजी ओलिविया। जाओ और हमारे मेहमान के लिए कुछ लेकर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे घोड़े को बस प्यास लगी थी। ओलिविया। हाँ, उप्स। मुझे माफ करना। क्या ये सब तुम्हारी पेंटिंग्स हैं? ये तो यूं ही बकवास जी। जवाब दो। हाँ, मैंने बनाई हैं। ये बहुत सुंदर हैं। मैं
मैं अलग तरह की कलाओं का सौदा करता हूँ। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारी पेंटिंग्स को बिकवा सकता हूँ, शायद महल में भी। हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से इसे बोल रही थी कि इसे अपनी पेंटिंग्स बेचनी चाहिए, तो अब पैसों की बात की जाए। बिल्कुल। व्यापारी ने ओलिविया की सारी पेंटिंग्स को खरीदा और चला गया। खाना तैयार है। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे हाथों बेशकीमती हैं। काम करके इन्हें खराब मत करो। अब से तुम सिर्फ पेंटिंग ही बनाओगी, आराम करो। अरे वाह, पैसों की खनक। स्पार्कल, क्या तुम उनसे पूछोगी नहीं कि तुम्हारी पेंटिंग्स के कितने पैसे मिले? मुझे काम कर लेने दो, जंगल जाने में देरी हो रही है। पर पैसे? हाँ माना, तुम्हें तो जरूरत नहीं, पर मुझे ऐशो आराम चाहिए। मुझे परवाह नहीं, मैं बस शांति से पेंटिंग करना चाहती हूँ। महल के लोगों को ओलिविया की पेंटिंग्स बहुत पसंद आई और जल्दी वो मशहूर हो गई। राजा ने खुद उसे हाजिर होने का आदेश दिया। मिस ओलिविया, तुम्हारा काम कमाल का है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शाही कलाकार बनो और यहीं इसी महल में रहो। पर महाराज, मैं जी बिल्कुल महाराज, इससे आपके लिए शाही कलाकार बनके खुशी होगी। तो ओलिविया अपनी मासी के साथ महल में रहने लगी। ओलिविया का हाल बुरा था। जंगल के नाम पर सिर्फ ये बड़ा सा बगीचा है, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई पहाड़ नहीं। मैं पेंटिंग कैसे करूं? राजा कल तुम्हारी नई पेंटिंग्स देखना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकती। पेंट करो। क्या? परी का वरदान याद है? तुम जो बनाओगी वो सच हो जाएगा। तुम अपनी खुद की पेंटिंग बनाओ जिसमें तुम जंगल में पेंट कर रही हो। तो ओलिविया ने पेंटिंग बनाई जहां वो घने जंगल में बैठकर पेंट कर रही है। एब्राकाडाडल। और फिर अगले दिन। ये कितना सुंदर है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। पता है क्या, इनाम के तौर पर मैं तुम्हारे लिए जंगल में कैबिन तैयार करूँगा। उसके अंदर जरूरत की सारी चीजें होंगी, मेरा वादा है। शुक्रिया मेरे महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, वरदान काम कर गया, तुम्हारी पेंटिंग सच हो गई। इन्होंने मुझे नहीं बताया। ओलिविया की पेंटिंग्स राज्य भर में मशहूर हो गईं और वो अपने जमाने की सबसे मशहूर कलाकार के नाम से जाने जाने लगी। लेकिन नाम के साथ साथ कुछ और भी बदलने लगा। ओलिविया, चलो उठो, आज नदी किनारे जाकर तुम पेंटिंग करने वाली थी ना? रात को देर हो गई, मुझे सोना है। तुमने इस पूरे हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई है। इसमें मेरी क्या गलती है? हर ठाकुर राज्य का हर मंत्री, पड़ोस के राज्य का हर राजा, वो चाहते हैं मैं उनके पार्टीज में शामिल रहूं। क्या तुम्हें पता है मेंडेलिया के राजा ने मुझे हीरो से जड़ित पेंट ब्रश का पूरा सेट दिया है। अब ओलिविया का ध्यान अपनी पेंटिंग से हटने लगा था और इसकी वजह से उसकी पेंटिंग्स का जादू खत्म होने लगा। पेंटिंग्स को आखिर हो क्या गया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजाओं को बेसब्री से मेरी पेंटिंग्स का इंतजार रहता है और तुम कह रही हो कि ये अच्छी नहीं है? अरे देखो तो, कहाँ है वो खुशी, कहाँ है कुदरत की सुंदरता? मेरी गलती नहीं है, कुदरत के पास वही पहाड़ और वही नदियाँ हैं और कुछ नया नहीं है। जाओ यहाँ से। तुम बदल गई हो और तुम्हें जलन हो रही है। क्या कहा? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुमने ऐसा क्या किया है? मैं तुम्हें जगाती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? धीरे धीरे ओलिविया की पेंटिंग्स देखने आने वाले लोग कम हो गए। मुझे माफ करना, हमें नए शाही कलाकार की जरूरत है, लेकिन ओलिविया को शाही खजाने से पैसे मिलते रहेंगे। ओलिविया के जैसा आपको दूसरा कोई और शाही कलाकार नहीं मिलेगा। बेकी मासी ने राजा को ओलिविया के पेंटिंग्स को सच करने के हुनर के बारे में बताया। अगर ये सच है, मंडेलिया के राजा के साथ हमारी लड़ाई होने वाली है, लेकिन उनकी सेना हमसे भी बड़ी है। पर अगर वो पेंट कर सकती है कि राजा मुझे सम्मान दे रहा है, तो ये लड़ाई टल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ओलिविया हमेशा के लिए मेरी शाही कलाकार बन जाएगी और मैं खास उसके लिए
एक महल बनवाऊंगा। ये सुनकर स्पार्कल चौंक गई। ओलिविया, तुम्हें ये पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए, ये गलत है। अगर मैं नहीं करूंगी तो शाही कलाकार नहीं रहूंगी। तुम्हें पता भी है ये कितनी शर्म की बात होगी। तुम्हें शाही कलाकार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ओलिविया, जो अपने अहंकार में चूर थी, उसने पेंट किया कि राजा का सम्मान करने के लिए मैंडेलिया से तोहफे आ रहे हैं। एब्राकाडूडल। कुछ दिनों के बाद, ओलिविया, तुम्हारी पेंटिंग सच हो गई। तुम सच में शाही कलाकार हो। सुना तुमने, मैं फिर से शाही कलाकार बन गई हूँ। पता है कि मैंडेलिया का राजा हमारे राजा को सम्मान क्यों दे रहा है? चलो मेरे साथ। स्पार्कल ओलिविया को सिपाहियों के कक्ष में ले गई, जहाँ मैंडेलिया के सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे थे, खाना खाते हुए। हमारे राजा और रानी अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर राजा और रानी को कुछ हो गया तो हमारी नन्ही राजकुमारी अनाथ हो जाएगी। इसीलिए तो हमारा राज्य तुम्हारे राजा को सम्मान दे रहा है। अगर हमारे राजा और रानी को कुछ हो जाए तो, समझे? क्या तुम्हारी पेंटिंग्स का यही हाल हुआ है? कोई खुशी नहीं, इनमें सिर्फ अहंकार और दर्द दिख रहा है। कला हमारे दिल का आईना होता है, याद है तुम्हें? ये मैंने किया? नहीं, ओह नहीं। मैं समझ सकती हूँ अनाथ होना किसे कहते हैं। मैं ये किसी भी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। ओलिविया सीधे परी के पास गई। ओलिविया, यहाँ आज कैसे आना हुआ? इसे ले लो, प्लीज प्लीज इसे वापस ले लो। क्या वापस ले लूं? तुमने मुझसे कहा था नाम और शोहरत का असर अपनी पेंटिंग्स पर मत होने देना, और मैंने ठीक वही किया। मैंने एक परिवार को बर्बाद किया। प्लीज ये नाम और पेंटिंग्स को सच करने के हुनर को वापस ले लो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मुझे एक आखिरी पेंटिंग बनाने दो और फिर ये हुनर वापस ले लो, प्लीज। एक आखिरी पेंटिंग? ओलिविया ने पेंट किया कि राजा और रानी खुश और सेहतमंद है और उनकी आपस में सुलह हो चुकी है। और जब उसकी पेंटिंग पूरी हुई, मैं चाहती हूँ कि ये पेंटिंग सच हो जाए। इसके बाद ये वरदान मुझसे वापस ले लो। एब्राकाडूडल। अगर तुम यही चाहती हो तो एब्राकाडूडल पलट दो। ओलिविया महल पहुंची और उसने ये सुना। वाह, मैंडेलिया के राजा और रानी फिर से सेहतमंद हो गए हैं और वो हमसे सुलह करना चाहते हैं। एक खतरनाक लड़ाई आखिर टल गई। चलो खुशी मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरी शाही कलाकार रहोगी। शाही नहीं, मैं सिर्फ एक कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे जाना होगा। पर ओलिविया, आप मेरी सारी दौलत रख सकती हैं, मुझे जाना होगा। ओलिविया अपने गांव के पुराने घर पहुंची और वहीं रहने लगी। और एक दिन, मैं फिर से पेंटिंग करना चाहती हूँ। पेंटिंग तो तुमने हमेशा अपने मन से की है, तुम्हें अब भी करनी चाहिए। हमारी ओलिविया वापस आ गई। ओलिविया ने पेंटिंग शुरू की। अपने कैनवस पर खुशियों के रंग भरने लगी। उसकी पेंटिंग्स में फिर से वही जादू दिखने लगा और एक बार फिर वो दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन इस बार महाराज, मुझे बस पेंट चाहिए और एक आम जिंदगी। उन सारे पैसों से आप अपनी प्रजा की मदद कीजिए और बाकी राज्यों की भी मदद कीजिए। वैसे भी मेरे पास वो सब है और भी बहुत कुछ। जब ओलिविया ने पैसा, नाम और ताकत की लालच को छोड़ दिया, उसका दिल फिर से साफ हुआ और जो पेंटिंग्स उसने की वो सच में सुंदर बनी, क्योंकि कला दिल का आईना होता है।